जय हिंद। आज के विषय में हम बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF वाटरिंग के कुछ वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो काफ़ी YouTube में चर्चा चल रहा है। इसका जो वैकेंसीज वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ डिपार्टमेंटल की तरफ से। ठीक है, डिपार्टमेंटल की तरफ से ना कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना कोई फुल नोटिफिकेशन है। ये सब यूट्यूब के कुछ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह से ये काफ़ी वायरल हो रहा है, और इसमें कुछ यूट्यूबर से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो एडुकेटेड लड़कियों को गलत इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से आपको बहुत ही जानकारी मिलने से दूर रहोगे और आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है विदाउट रियल जानकारी के बिना अप्लाई करोगे तो। ओके, कुछ यूट्यूबर ऑलरेडी इसका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। आज इसी के चैनल के माध्यम से इस वीडियो में मैं वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन साथ में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूर करूंगा, और साथ में इसके एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन और कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें SI मास्टर और SI इंजीनियर की बात करेंगे। इसमें अलग अलग वैकेंसी दे रखे हैं जो ग्रुप बी का 8 और 6 पोस्ट दे रखे हैं। मैट्रिक्स लेवल सेम है, 35,400 से 124,000 रुपये दे रखे हैं, और 22 साल से 28 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसका 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और सेकेंड क्लास मास्टर के साथ ही अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियर में सेम 10+2 के साथ इसका फर्स्ट क्लास इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। SI वर्कशॉप के लिए सेम, इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, DME होना चाहिए, और मेरिन डिपार्टमेंट से डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। उम्र 20 से 25 साल जो उम्र है, एज पर गवर्नमेंट्स के जो कुछ रिलैक्सेशन होते हैं उसी के अनुसार आपको ये भी देखने को मिलेगा। हेडकोर्स है वर्कशॉप, हेडकोर्स मास्टर, हेडकोर्स इंजीनियर जो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, सेरम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें सेकेंड क्लास इंजीनियर होना चाहिए। जो 20 से 25 साल का उम्र सेम का सबका सेम है, और उसका जो पे भी है 25,000 से लेकर 500 रुपये से 1,100 रुपये। ठीक है, पे भी अच्छा खासा मिलता है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट के पे मिलता है हर किस्म के जो अलाउंसेज इंक्लूडिंग होने के बाद। ओके, वर्कशॉप का हेडकोर्स वर्कशॉप का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ, और ऐसे काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलते, टोटल 19 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ओके, और साथ में जो कांस्टेबल क्रू है, कांस्टेबल क्रू जो ग्रुप सी का ही है, उसमें थोड़ा सा ह्यूज वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 130 वैकेंसी है, 90, 5, 19, 4 ST का नील दिखाई दे रहा है। ये जो ST के अभी तो नील दे रहा है, क्या पता मे भी यदि इसका ओरिजिनल यदि इसका वैकेंसीज है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मे भी इसका हो भी सकता है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें ST का नील जिसको कन्फर्म नहीं कर सकता है, मे भी आ भी सकते हैं। ओके, इसका जो बेसिक पे है 31,700 से लेकर 69,100 है, इंक्लूडिंग सब अलाउंसेज मिलाने के बाद काफ़ी देखने को मिलेगा। उम्र 20 से 25 साल, साथ में 5 साल ST और 3 साल OBC की रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए, टोटल 281 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। ओके, इसका जो कांस्टेबल क्रू का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, साथ में 1 साल का बोर्ड हैंडलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 265 HP का है, और विदाउट असिस्टेंट में स्विमिंग आना चाहिए। मैं इस विषय में बातें करना चाहूँगा, जो कुछ यूट्यूबर का ये कहना है कि ये जो ड्यूटीज़ होते हैं अंडमान निकोबार में BSF वाटरिंग की ड्यूटी है, ये गलत है। ठीक है, कोई भी BSF का वाटरिंग अंडमान निकोबार में ड्यूटी नहीं होते, इसका बे ऑफ बंगाल में होगा, कच्छ का गुजरात के कुछ हिस्से में होगी, और जो असम के ब्रह्मपुत्र और कुछ बांग्लादेश बॉर्डर की छोटे छोटे क्रीक या नदियाँ वगैरह में इसका ड्यूटी होते हैं। ये कोई अंडमान निकोबार का नहीं है जो यूट्यूबर ने पहले बता रखा है, ये गलत है। साथ में कुछ यूट्यूबर ने ये भी बता रखा है कि इसका जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, जो 265 HP का जो सर्टिफिकेट है, ये कोई टूरिज्म प्लेस से मिलते हैं बोटिंग पॉइंट, ये गलत है। टूरिज्म पॉइंट में कोई 265 HP का कोई बोर्ड होता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के गलत सर्टिफिकेट बनवा के लोग एंट्री करा देता है, और डिपार्टमेंट उसी को आधार पे भर्ती तो करा देता है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसको 5 साल या 6 साल नौकरी करने के बाद काफ़ी बंदा आज तक कम से कम 5-6 साल करने में काफ़ी बंदे अबव 50 से अबव लड़के अभी नौकरी को सस्पेंड किया गया है। ओके, ऐसे ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लोज कलीग वगैरह से और BSF एम्प्लॉय से लिए गए हैं। इसमें 50 से भी ज़्यादा लोगों को अभी सस्पेंड किए गए हैं। आप लोग की दरख्वास्त ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन, गलत यूट्यूबर की इन्फॉर्मेशन से मत जाइए, इसका फिजिकली विजिट कीजिए, और फिजिकली विजिट करने के बाद ही सर्टिफिकेट को अप्लाई कीजिए। ओके, ये सबसे बड़ी बात है, आज के कंप्यूटर के ज़माने कॉपी पेस्ट करके सभी लोग आपको प्रोवाइड करेगा एक ह्यूज अमाउंट लेके, लेकिन उसमें मत जाइए। वो कहाँ का है, कैसे हैं, हर प्रकार के डीपली नॉलेज लेने के बाद ही इस सर्टिफिकेट को आप अप्लाई कीजिए।
समझ गया। और नेक्स्ट हो गया शोट नो स्विमिंग, ये भी इसमें गुमराह कर रखे, तैरना आना चाहिए, बस तैरना आना चाहिए यही बात नहीं है, विदाउट असिस्टेंट, कोई बिना सहारा लेके आपको गहरा पानी में तैरना आना चाहिए। साथ में मेरे को तैरना आता है बोल के आपको अपेंडिक्स डी में आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपको समुंदर में, नदी में, ये ब्रह्मपुत्र वगैरह में और ये बे ऑफ बंगाल और कच्छ का कुछ अरब सागर वगैरह में आपको ड्यूटीज करना मिलेगा। खुदा न खास्ते आपको ट्रायल के दौरान या ड्यूटी के दौरान कुछ एक्सपर्ट भी हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल खुद होगा, ये गवर्नमेंट नहीं लेगा, ठीक है। इसीलिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये कोई छोटे मोटे, ये कोई प्राइवेट जॉब का नौकरी नहीं है कि कोई भी दुकान से सर्टिफिकेट लेके अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना। और जो थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है वो भी मत समझना कि थोड़ा बहुत स्विमिंग पार लोगे बाकी ऐसे जॉब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक पानी का ही ड्यूटीज़ है, इसीलिए पानी में ज़्यादातर आपका ड्यूटीज़ होगा, इसीलिए इसको एक्चुअल जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है, जेन्युइन जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करे, गलत इन्फॉर्मेशन लेके, गलत डॉक्यूमेंट्स लेके अप्लाई ना करें, क्योंकि ऐसे करने से आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना उधर का होगा ना इधर का। काफ़ी कैंडिडेट जो 5 years, 6 years जॉब करने के बाद सस्पेंड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फाइनल नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा मैं इसको ऑब्वियसली आपको डिपार्टमेंट की तरफ आने से इसको उसको डीपली नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।